खिलाड़ियों के लिए फैंस की दीवानगी के किस्से आए दिन देखने और सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी की दीवानगी की यह खबर आपको चौंका देगी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के 70 साल के एक बुजुर्ग ने बैडमिंटन स्टार और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता पीवी सिंधु से शादी करने की इच्छा जताई है। बुजुर्ग शादी का आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय भी पहुंच गया। बुजुर्ग का नाम मलाय सामी है। बुजुर्ग ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर शादी के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए तो वो सिंधु को अगवा कर लेगा। खबरों के अनुसार जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे मलाय सामी ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और खुद की तस्वीर के साथ एक पत्र देते हुए कलेक्टर से सिंधु से शादी करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान उसने ये भी कहा कि उसकी उम्र 70 साल की नहीं है, बल्कि अभी वो सिर्फ 16 साल का लड़का है और उसका जन्म 4 अप्रैल 2004 को हुआ था। कलेक्टर कार्यालय ने उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। मलाय सामी ने कहा कि वो सिंधु के करियर से भी बेहद प्रभावित हैं और अब उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। उनके नाम ओलंपिक का सिल्वर मेडल भी है। फिलहाल वो चाइना ओपन में व्यस्त हैं, जहां उनका पहला मुकाबला ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी चीन की ली जुरेई से है। इस मुकाबले में सिंधु क्या कमाल करती हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन लगता है उनके इस फैन ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है। मलाय सामी का कहना है कि जब पीवी सिंधु 16 साल की थी तब से वो उन्हें पसंद करते हैं। अमर उजाला.com